बॉलीवुड को सीख लेना चाहिए साउथ की इंडस्ट्री से कि बस डांस और आइटम सॉन्ग और कमर मटका लेने से ऐसे ऐसे मूवी हिट नहीं हो जाता, ताकि बस आइटम सॉन्ग डाल दो और नूरा फतेही को डाल दो उसी में। दोस्तों, अगर कोई मूवी रिलीज होता है या फिर कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज आता है या अमेजन प्राइम पे, तो सबसे पहले देखने की बेचैनी किसको होती है क्या आपको पता है? तो वो होती है हमारे फिल्मी इंडियन दीदी को, जो कि ये काफ़ी अच्छी रिव्यूअर हैं, रिव्यू करती है मूवी का, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी वीडियो देख मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और मैंने भी इनकी तरह एक छोटा सा रिव्यू देने का कोशिश किया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ की एक मूवी जो कि कुछ दिन पहले आई है, जिसका नाम है पुष्पा द राइज। फ्रेंड्स, अगर कुछ साल पहले की हम बात करें साउथ की, तो याद आता है वही काल्पनिक एक्शन सीन जिसमें एक्टर जो है कोई छिलके से मारता है, एक्टर किसी को अगर एक मुक्का दे देता है तो वो उड़ते उड़ते कई किलोमीटर दूर जाके गिरता है, या फिर एक्टर अपने आंखों के इशारे से गोली को नचाता है, जैसा कि इस सीन में आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो साउथ इंडस्ट्री जो है वो काफी ऊपर चला गया है। और एक जमाना था जब लोग बस बॉलीवुड की मूवी देखना पसंद करते थे, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है, समय अब बदल चुका है, और सबसे ज्यादा अगर कोई मूवी देखा जाता है तो वो है बस साउथ का, और यही सच्चाई है। बॉलीवुड को सीख लेना चाहिए साउथ की इंडस्ट्री से कि बस डांस और आइटम सॉन्ग और कमर मटका लेने से ऐसे ऐसे मूवी हिट नहीं हो जाता है। मूवी हिट करने के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालना पड़ता है, ना कि बस आइटम सॉन्ग डाल दो और नूरा फतेही को डाल दो उसी में, जो कि बस कमर हिलाती है ऐसे ऐसे। उसके हर सॉन्ग में उसका लोगों का जो फोकस होता है कमर पे होता है, और क्या वो करती है हमको समझ में नहीं आता है। जो कि बॉलीवुड जो मूवी है, बस अधिकतर मूवी पब्लिक का पैसा बर्बाद करता है थिएटर में, और कुछ काम नहीं है बॉलीवुड की मूवी का। बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री से सीख लेना चाहिए कि कैसे एक साउथ इंडियन मूवी हॉलीवुड को पीछे कर रही है, जो कि साउथ में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं कि पूछिए मत। साउथ का जो लेवल है वो काफ़ी अब ऊपर हो चुका है, जो कि पहले जो था बस साउथ को लोग कॉमेडी के तौर पे याद करते थे, साउथ के जो एक्शन होते थे उस पर मीम्स बना देते, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अभी कुछ ही दिन हुए अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा, जिसने इतनी कमाई की कि मात्र एक वीकेंड में 144 करोड़ का रिकॉर्ड बना दिया। और बता दें आपको, हॉलीवुड की पॉपुलर मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम, उसको भी इनकम के मामले में पुष्पा मूवी ने पीछे कर दिया, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। इस फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया है, जो कि इस फिल्म में बता दें आपको अल्लू अर्जुन के अलावा यूथ क्रश रश्मिका मंडाना भी हैं, और ये दोनों लीड रोल में हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी में जो अल्लू अर्जुन रोमांस और एक्शन का तड़का लगाए हैं वो बेहद जबरदस्त है। दर्शकों का अपार भीड़ ने साबित कर दिया है कि ये फिल्म लोगों के बीच में काफी पसंद की गई है, और तभी नहीं ये हिट की है। इस फिल्म में चंदन तस्करों के वास्तविक घटनाओं को दर्शाया गया है, और कहानी जो है वो आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में लाल चंदन के डकैती पर आधारित है। इस पूरी कहानी में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, और ठीक इसके अपोजिट रश्मिका मंडाना श्रीवल्ली नाम की लड़की की भूमिका में है। दोस्तों, मैंने ये खुद मूवी देखी है, जो कि काफी मुझे पसंद आई, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि प्लीज आप इसको देखिए। अगर एक आप अच्छी मूवी देखना चाहते हैं तो इसको अवश्य ही आप देख सकते हैं।